हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? और आज के इस यूट्यूब चैनल स्वीट एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति के बारे में आज हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे। यह जो है VVI चैप्टर जो है, यानी इस साल यानी 2022 में बिहार बोर्ड के होने वाले एग्जाम में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यह क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, यानी कि 1 cos² θ / 1 cos cosec θ = cosec θ, यानी इसको प्रूफ करना है, यानी इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस वाले पक्ष को अगर हम लेते हैं तो राइट वाला पक्ष जो है वह आ जाता है। तो यहां पर सबसे पहले दो पक्ष दिया गया, यानी इसको हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड बोलते हैं। यानी हम ये देख रहे हैं कि जो ये इसको अगर हम विस्तार करेंगे तो यहां पर cosec थीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों cosec थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यानी देख लीजिए कैसा होता है, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों। अगर हमें cot स्क्वायर थीटा का मान दीजिए जिसका निकाला होगा, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो राइट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही बनाता हूँ, यानी हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के अगर 1 को अगर हम वर्ग करेंगे तो ये आपका 1 × 1 यानी 1 ही होगा। यानी 1 को कितनी बार, यानी उसके उस संख्या पर कितना भी अगर पावर हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर देख रहे 1 का स्क्वायर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला पर इसको हम सेट कर देते हैं, यानी 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इसको ए और इसको बी मानेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, एक हो जाएगा प्लस में हो जाएगा यानी कॉसेक थीटा प्लस 1, और एक आपका हो जाएगा इसको हम मिटा देते हैं इनटू में हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, बट्टा में आपको दोस्तों ये जो होगा 1 प्लस जो होगा बट्टा का सामने होगा यानी इसके सामने होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा। इसको क्या करते हैं कि दोस्तों ये प्लस में 1, ये जो है 1 प्लस में है, दोनों प्लस में है, इसको किसी साइड में लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, चाहे 1 ये कॉसेक थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं, इसको ये कॉसेक थीटा प्लस 1 से काट देते हैं। अब बस आएगा दोस्तों आपका यह
यह हो जाएगा वन प्लस हो गया, अब यहां पर बच रहा है कॉस थीटा माइनस वन बराबर में दोस्तों हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस वन और प्लस वन ये कट जाएगा तो दोस्तों आपका आ जाएगा यानी कॉस थीटा बराबर ये कॉस थीटा। देख रहे हैं कि आपका आरएचएस आ गया, यानी जब हमने एलएचएस से सिद्ध किया तो आरएचएस का वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी यह आपका क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। आपको बहुत आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर पांच, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसको हम मिटका दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पांच यानी आपका दिया गया है कि वन माइनस टैन ए बटा वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दिया गया है बराबर टैन स्क्वायर ए, यानी आपको सिद्ध करना है, आप एलएचएस को सिद्ध कीजिए या आरएचएस को सिद्ध कीजिए, कोई एक पक्ष लेकर आप सिद्ध कर सकते हैं। तो चलते हैं हम देख रहे हैं कि कैसे यह सिद्ध होगा। यहां पर ये टैन स्क्वायर लाना है दोस्तों, टैन स्क्वायर लाने के लिए हमें टैन के फॉर्म में जो है ये लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करना पड़ेगा, यानी ये दोस्तों हो जाएगा ये वन माइनस टैन ए बटा ये हो जाएगा वन माइनस कॉट कॉट ए बराबर, यानी दोस्तों हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर होता है वन बटा टैन ए होता है, और टैन ए बराबर क्या होता है दोस्तों यानी वन बटा कॉट ए होता है, मैं जान गया। अब यहां पर कॉट ए के बराबर हम करेंगे वन बटा टैन ए, यानी वन बटा में टैन ए होगा, अब ये हो जाएगा दोस्तों इसका होल स्क्वायर, अब ये हो जाएगा यानी इसको हम मिटका देते हैं, अब यह हो जाएगा यानी वन माइनस टैन ए बटा बटा में एक लगा देते हैं, अब वन वन और टेन ए का एलसीएम टैन ए ही होता है, टैन ए ही होता है, और वन में टेन ए से डिवाइड करेंगे तो आपका टेन ए आएगा, और टेन ए में आपका वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी टेन ए ही होगा, माइनस टेन ए से टेन ए में डिवाइड करेंगे तो आपका वन आएगा, और वन में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन ही होगा, अब ये दोस्तों इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको प्लट देंगे या इसको काट भी सकते हैं, प्लट देंगे सबसे बढ़िया, ये हो जाएगा दोस्तों वन माइनस टैन ए बटा में टैन ए माइनस वन हो जाएगा, ये भाग में ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको क्वेश्चन बंद कर देते हैं, इसको बड़ी बड़ी इंटू में हो जाएगा आपका टैन ए हो जाएगा। अब इसको हम अब यहां पर देख रहे हैं कि टैन ए माइनस वन है और यहां पर वन माइनस टेन ए है, तो इसको हम क्या करते हैं कि वन माइनस टेन ए इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो होल स्क्वायर यहां पर है वन माइनस टेन ए इंटू टैन ए, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, यानी इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस वन माइनस टैन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है और ये से इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी वन को इधर लाएंगे
ये जो यहाँ पर माइनस वन है ये प्लस वन हो जाएगा, और प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस वाला, जब माइनस कॉमन लेंगे तब इसको हम बारह ब्रेकर से बंद कर देते हैं, यानी अब काट देते हैं ये वन माइनस टेन है और ये वन माइनस टेन है कट गया। तो दोस्तों अब यह हो जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर, अब यानी हो जाएगा आपका बच जाएगा यानी माइनस टेन ए बच जाएगा, यानी माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। दोस्तों माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी माइनस टेन का दो बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखा आपने कि बहुत आसानी से मैंने इसको सिद्ध कर दिया। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छः। तो क्वेश्चन नंबर छः दो जो है आपका, क्वेश्चन नंबर छः क्या दिया गया है, यानी आपका दिया गया है कि साइन फोर थीटा माइनस कॉस फोर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन दिया गया है। तो हमें इसको सिद्ध करना है कि यार कौन सा टर्म्स को हम पुट करेंगे, कि जो है आप या एलएच से लेकर सिद्ध कीजिए या आरएच से सिद्ध कीजिए। तो हमको यह जो है आसान लग रहा है कि इसको जब हम पुट करेंगे तो यहाँ जो है आपका वन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, यानी यह आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया होगा इंटू एक होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहां हम देख रहे हैं क्योंकि इसको चेंज करते हैं, यानी यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर में पावर से गुणा करेंगे तो दो दो का चार हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे तो ये बढ़ गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। बट्टा में आपका ये उत्तर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी आपको एक बार प्लस में एक बार माइनस में देना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इंटू में हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर माइनस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को काट देंगे, बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा जो होता है वह वन के बराबर होता है, यानी आपका हो जाएगा वन, यानी आपका यह जो है प्रूफ हो गया, यानी आर एच एस आपका वन आ गया। तो देखा मैंने कितने बेहतरीन ढंग से आपको सिद्ध करके दिखा दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया गया है, इसको मिटका देते हैं। अगर आप लोग अगर नहीं उतारे हैं तो उतार लीजिए, ताकि आपको इसको बार बार याद करने में आसानी होगा। दोस्तों ये जो है मैथ, जो है मैथ याद करने वाला जो है सब्जेक्ट नहीं है, इसको अगर आप समझ समझ के अगर लिखते हैं तो आपको ये काफ़ी दिन तक जो होगा याद रहेगा। अगर आप जो है इसको समझ कर नहीं लिखते हैं तो वो बहुत दिन तक याद नहीं रहेगा। तो देखते हैं
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, नंबर सेवन दिया गया है आपका कि वन माइनस कॉट थीटा बटा वन माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं इसको हम सिद्ध करते हैं, और इससे यानी राइट साइड में दिया गया है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। तो चलते हैं, क्योंकि नीचे भी जो दिया गया है वन माइनस टेन थीटा दिया गया है, इसको हम टेन के फॉर्म में तोड़ते हैं। यानी दोस्तों आपका ये हो जाएगा कि वन माइनस कॉट थीटा बराबर बताया आपको अभी कि जो कॉट थीटा बराबर होता है वन बटा टेन थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा वन बटा में टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका बटा में वन माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा अगला पॉइंट होगा आपका बटा में वन लगा देते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालने में आसान रहेगा, वन और टेन थीटा का एलसीएम आपका टेन थीटा हो जाएगा, और जो एलसीएम आया है उसमें यानी जी ये जो है ये हर वाली संख्या से हम भाग करेंगे, यानी वन और टेन से भाग करेंगे तो आपका टेन थीटा भागफल आएगा, जो भागफल आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टेन थीटा में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा, माइनस टेन थीटा में टेन थीटा से डिवाइड करेंगे आपका वन आएगा, और वन में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, ये जो होगा आपका बराबर बटा होगा, यानी वन माइनस टेन थीटा हो जाएगा। दोस्तों हमको अभी जो है यहाँ पर टेन थीटा माइनस वन है, बटा में टेन थीटा है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम बटा में वन लगाकर इसको पलट देते हैं। दोस्तों जब इसको हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस वन बटा टेन थीटा इंटू हो जाएगा, ये वन जो है ऊपर जाएगा डिवाइड में, बटा में हो जाएगा आपका वन माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हो जाएगा आपका, और इससे ये जो है आपको टेन थीटा माइनस वन इंटू वन है, जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये जब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन बटा, ये हो जाएगा टेन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा वन माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब ये जो है आपका यहाँ तक हो गया, और उसके बाद हो जाएगा हमको ये लाना है टेन थीटा माइनस वन लाना है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो है आपका टेन थीटा माइनस वन आ जाएगा, यानी आपका टेन थीटा माइनस वन बटा में, इसमें से माइनस कॉमन तो लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन हो जाएगा। अब इससे काट देते हैं, ये बच जाएगा दोस्तों आपका, सॉरी ये जो है सब पर होल स्क्वायर होगा, सब पर होल स्क्वायर होगा, यहाँ से होल स्क्वायर फूट रहा था, ये स्क्वायर होगा क्योंकि इस पर भी आपका स्क्वायर होगा ही, अब ये दोस्तों हो जाएगा, और इस पर भी स्क्वायर होगा, अब ये हो जाएगा दोस्तों आपका वन बटा में टेन थीटा, यानी यहाँ पर माइनस होगा इसका होल स्क्वायर। दोस्तों वन बटा टेन थीटा बराबर होता है आपका माइनस कॉट थीटा, और कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको दो बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये चला आएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा,
दोस्तों ये आपका प्रूफ हो गया, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो देखा मैंने कितने आसानी तरीका से इसको सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।